हैं सर। सर खत्री जी, अ नोबल एजुकेटर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स इंडस्ट्रियल स्कूल श्री बलजीत लांबा जी, वेरी एनर्जेटिक एंड एडमरेबल एसएलसी हेड, पीटीएम हेड, वेरी डायनेमिक एंड अस्टीम्ड पर्सनलिटी, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, डॉक्टर योगेंद्र पाल जी, एंड वेरी अस्टीम्ड पर्सनलिटीज, वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑल स्टार मेंबर्स, लिटिल स्टार ऑफ दिस स्कूल, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू ऑल ऑफ यू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। इट्स नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट योर लाइफ because each and everyone knows there are so many who are students, and I feel privileged to say that it's my good luck, my fortune that I am also one of the student of Dr. Harishchandra Banduji. अगर तारीफ की बात की जाए सर, तारीफ में आपकी क्या करूं, उसमें तो अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, न हर समुंदर में मोती खिला करते हैं, न हर मंजर में दीप जला करते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। और ऐसे ही एक महान शख्सियत जो आज हमारे बीच में विराजमान हैं, चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर हरिश्चंद्र बंधु जी। इफ आई टॉक अबाउट हिज लाइफ, आई वुड से ही गॉट पार्ट इन द फैमिली ऑफ श्री पूर्णिया राम जी, मदर श्रीमती पनमेश्वरी देवी जी, इन द विलेज सिल्लाकेड़ी ऑन डेट 23rd August 1941। अबाउट एजुकेशन, यू पास योर एमए इन हिंदी, आफ्टर दैट यू डिड योर पीएचडी in the same subject. और उसके बाद में सर, फैमिली का अगर जिक्र किया जाए, आप जी के एक पुत्र डॉक्टर योगेंद्र पाल जी, और इनके बारे में हर कोई यहां स्कूल में जानता ही है, ब्लॉक में सब कोई जानता है, डिस्ट्रिक्ट में हर कोई जानता है, आपकी चार पुत्रियां और श्रीमती अंगूरी देवी जी जो आप जी की धर्मपत्नी, उन्होंने पल पल हर जगह आप जी का साथ दिया, कंधे से कंधे मिलाकर के आप जी का सहयोग करते रहे। इसी दौरान आपने अनेक ऐसी कविताएं भी लिखी, लिटरेचर में आपका अहम रोल रहा, अहम योगदान रहा। आप जी ने 1973 के अंदर गांव बूटाखेड़ा के अंदर, जो मेरा गांव है, मैं आज भी उसी गांव से यहां अपडाउन करता हूं, उस गांव के अंदर 1973 के अंदर आपने एज ए टीचर ज्वाइन किया। उसके बाद आप ट्रांसफर होकर के इसी स्कूल के अंदर, सफेदों के अंदर इसी स्कूल के अंदर आप जी आए, और इसके बाद यहां से आप ट्रांसफर होकर के बुसलाना गए, और ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी। जहां आपने ज्वाइन किया एज ए टीचर,
1999 के अंदर वहीं से आपने रिटायरमेंट प्राप्त की, तो ये हमारे गांव के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात थी, बड़े गर्व की बात थी। और उस टाइम मैं 10th क्लास में हुआ करता था। यू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैंने तो आपको आज तक धोती कुर्ते में ही देखा सर, एज ए टीचर भी, और उसके बाद में जब भी कभी आपसे मिलना हुआ तो इसी रूम में आपको हम मिलते रहे। आप जी का चेहरा जो हमेशा खिलखिलाता रहा, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। और सर, आप जी ने जो रचनाएं लिखी हैं, उसके अंदर बैठ जरो के देख, श्री लक्ष्मी चंद का काव्य वैभव, इनसे आप जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी 2 बार मिला। आप जी ने ये साहित्य अकादमिक पुरस्कार आप जी ने प्राप्त किया, और इसके बाद आपके अनेकों ऐसे शोध पत्र रहे, हरियाणवी सांगों में रागनी, हरियाणवी सांगों में श्रृंगार, हरियाणवी सांगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपने न केवल बच्चों के माइंड को विकसित किया, उनको आपने सजाया संजोया, बल्कि समाज को भी आपने एक बहुत अच्छी देन दी है। और आज इन रचनाओं को पढ़ करके जहां हम अच्छा महसूस करते हैं, वही समाज भी आज इन चीजों से बहुत कुछ सीख रहा है। तो ओवरऑल सर, इन द लास्ट आई प्रे टू अलमाइटी, मे प्लीज ब्लेस यू विद अ लॉन्ग स्पिरिचुअल हेल्दी वेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।